गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट लोक प्रशासन में हम पिछली क्लास में प्रधानमंत्री की भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। प्रधानमंत्री की तीन भूमिका अपन ने कल पढ़ चुके थे। उसके बाद में जो चौथे नंबर पर आती है भूमिका, उसमें आता है संसद में राजनीति के रूप में। संसद के अंदर राजनीति के रूप के अंदर प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके तहत राजनीति के होने के नाते प्रधानमंत्री संसद में न केवल अपनी सरकार के बचाव की रक्षात्मक भूमिका निभाता है, बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में विशिष्ट रणनीति भी तैयार करता है। हमारे यहाँ पर जिस व्यक्ति को बहुमत वाले दल का जो सांसद होता है, उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति एक राजनीतिज्ञ के रूप में, या एक ऐसा कहे एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में हमारे सरकार के बचाव के लिए रक्षात्मक भूमिका निभाता है। तो रक्षात्मक भूमिका निभाने के साथ साथ में प्रधानमंत्री होने के नाते उसे अपने स्वयं के दल, सहयोगी दल तथा विपक्षी दलों के सांसदों की क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण भी करना पड़ता है। तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त है, वह जिस दल का है, उस दल के जितने भी सांसद है उनको साथ लेकर उन्हें चलना पड़ता है। हमारे जैसे मान लो वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सांसद है या मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनके सहयोगी के रूप में वह उनको साथ लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ के अंदर जो अन्य दल या विपक्षी दल है, तो विपक्षी दलों के या अन्य दलों के जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या उनके से संबंधित जो कार्य हैं, उनका निवारण भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद में पांचवें नंबर पर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री विदेशों के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की सभाओं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के क्रम में भारत के पक्ष को स्पष्ट करने में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। संयुक्त राष्ट्र की जो सभाएं होती है, उन सभाओं में हमारे प्रधानमंत्री जितने भी जो हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती है, उन समस्याओं को स्पष्ट करने में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्णायक होती है। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ हमारे भारत देश के जो संबंध है, वो किस प्रकार के होने चाहिए, संबंध किस प्रकार से प्रगाढ़ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, जिसमें व्यवहारिक संबंध, सामरिक संबंध, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध इतने मजबूत होने चाहिए कि हमारे देश के हितों की रक्षा करने में प्रधानमंत्री का निर्णय प्रमुख रहे। तो विदेशों के साथ हमारे संबंध भी उसी प्रकार से होने चाहिए। किसी भी प्रकार के संबंध हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर के हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, व्यवहारिक हो, ये सभी स्तरों पर हमारे संबंध विदेशों के साथ में बहुत ही अच्छे या बहुत ही मजबूत होने चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका निभा सके। इसके अलावा हमारे देश का दूसरे देशों के साथ सीमा विवाद, परमाणु विवाद या अन्य कोई विवादों की स्थिति के अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं और इन विवादों को सुलझाने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर हम देखें मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में हमारे
मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा का सदस्य और लोकसभा में भी बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का चयन बहुमत वाले दल के सांसद करते हैं। किस मंत्री को कौन सा विभाग तथा स्तर प्रदान किया जाना है तथा मंत्रिपरिषद का कब विस्तार करना है, इसका निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप के अंदर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री किस मंत्री को कौन सा विभाग आवंटित करना है, कौन सा मंत्री किस विभाग को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, ये निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं, जो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में हमारे जो मंत्रिपरिषद का विस्तार कब किया जाता है, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। हमारे बहुत सारे सांसद हैं, सांसदों में से जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जैसे हम देखें कि वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री का पद है, वित्त मंत्री का पद ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो बहुत चतुर हो, क्योंकि वित्त का संबंध हमारे यहाँ पर अर्थ से होता है, पैसों से होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री का पद दिया जाता है जो अनुभवी हो, चतुर हो, राजनीतिज्ञ हो, कर्मठ और दूरदर्शी भी हो। तो इसी प्रकार से जैसे चिकित्सा मंत्री, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति को या शिक्षाविद को ऐसे पद दिए जाते हैं। तो इन सब का निर्णय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद में सातवां पॉइंट आता है राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में। हमारे देश में राष्ट्रपति को एक नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है, इसलिए राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में जो वास्तविक कार्यपालिका मानी जाती है प्रधानमंत्री, तो उनके परामर्शदाता के रूप में प्रधानमंत्री हमारे देश में सैद्धांतिक तथा संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च कार्यपालिका होता है। हमारे देश की जो सर्वोच्च कार्यपालिका है, सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति ही कहलाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति का प्रत्येक कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रभावित होता है। सर्वप्रथम पद, सर्वप्रथम व्यक्ति या सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का प्रत्येक कार्य या सहयोग करने में या परामर्श करने में हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति संसद का सत्र बुलाने या सत्र वसान करने, मंत्रिपरिषद का विस्तार या किसी मंत्री को हटाने, आपातकाल की घोषणा तथा लोकसभा को भंग करने इत्यादि में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का सहायक तथा परामर्शदाता होता है। तो राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में हमारे संसद का सत्र बुलाने या संसद का सत्र समाप्त करने अर्थात अवसान करने अथवा मंत्रिपरिषद का विस्तार करने या किसी मंत्री को उसके पद से हटाने या आपातकाल की घोषणा तथा लोकसभा को भंग करने इत्यादि में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति को परामर्श करने में इन कार्यों के अंदर सभी कार्यों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा ही परामर्शदाता के रूप में काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ में कभी भी कोई विधेयक या अन्य कोई कारणों से राष्ट्रपति को कोई कार्य करना पड़े तो राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की सहायता लेते हैं और उनसे सहयोग प्राप्त करते हैं। तो किसी भी